एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद सहारनपुर के ब्लॉक पंबारका में स्थित चौरादेव गांव पड़ा। लगभग 4200 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 20 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान प्रदीप कुमार हैं। लगभग 2732 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गाँव के जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में लगभग 150 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 117 हैंडपंप लगवाए गए हैं व विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 145 विद्युत पोल, 5 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। इसी के साथ वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में खडंजे, सीसी टाइल्स रोड, आंगनबाड़ी केंद्र का पूर्ण निर्माण, पानी निकासी के लिए नाली, स्कूल में सौंदर्यकरण, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 200 शौचालय तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास भी बनवाए गए हैं। वहीं वर्तमान ग्राम प्रधान पीपीएस न्यूज के माध्यम से गांव में सीसी टाइल्स रोड, पानी की टंकी, स्वास्थ्य केंद्र, बारात घर, शमशान घाट, कब्रिस्तान की बाउंड्री, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं प्रदीप कुमार, ग्राम प्रधान, अपने ब्लॉक पुआरके अखिल भारतीय प्रधान संगठन का उपाध्यक्ष हूँ और समय समय पर इस संगठन के उच्च पदाधिकारियों के आदेश निर्देशों का अनुपालन करता हूँ और इसी नाते मैं शासन से मांग करता हूँ कि अखिल भारतीय प्रधान संगठन के जितने भी प्रधान हैं उनका मानदेय उनकी कार्य क्षमता के अनुसार बहुत कम है, जो 3500 रुपये प्रति माह के हिसाब से है। प्रधान का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी उनको कोई पेंशन आदि की सुविधा नहीं है। हम ये चाहेंगे कि शासन प्रधान के कार्य को देखते हुए, जो कि आम जनता की सेवा में 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं, जबकि दूसरे नेता गांव से बहुत दूर रहते हैं और उनके वहां पहुंचने पर ही मिलते हैं, ग्राम प्रधान 24 घंटे गांव की जनता की सेवा में तत्पर रहता है, फिर भी उसको उसके मानदेय के रूप में एक ऊंट के मुंह में चीरा टाइप से शासन ने दिया है, जबकि इसका मानदेय प्रधान का ज़्यादा होना चाहिए। उसके यहाँ आगंतुकों का भी आना जाना आए दिन दूसरे राजनेताओं से ज़्यादा रहता है और अपने गांव की सेवा में 24 घंटे वो तत्पर रहता है। किसी गरीब आदमी की सेवा में वो तन मन धन से, आर्थिक सहायता से भी हमेशा तत्पर रहता है। तो उस हिसाब से प्रधानों का मानदेय शासन से अपेक्षा है कि ये बहुत कम है और इसको बढ़ाया जाए और उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी उनका सुरक्षित भविष्य को ध्यान में रखते हुए कुछ न कुछ उनको आंशिक रूप से ही सही पर मंथ उनको पेंशन के रूप में या उनकी मानदेय के रूप में कुछ न कुछ उनको मिलना चाहिए। आज की तारीख में क्या है, मनरेगा के मजदूर से कम प्रधान का मानदेय है और प्रधान 24 घंटे हर समय अपने आसपास के, अपने गांव के, अपने गांव के व्यक्तियों के लिए कहीं ब्लॉक में जाना, कहीं जिले में जाना, कहीं तहसील में जाना, किसी के राशन कार्ड बनवाना, किसी के पेंशन आदि की एप्लीकेशन लगवाना, हर समय वो तैयार रहते हैं। उस हिसाब से प्रधान के काम को देखते हुए शासन से अपेक्षा है कि उनके मानदेय में, उनके उत्साहवर्धन हेतु उनकी बढ़ोतरी की जाए। बोलूँ क्या, ये हमारा प्राइमरी विद्यालय चौरादेव है, इसी शिक्षा सत्र से इसको हमने इंग्लिश मीडियम में, इसकी बच्चों की शिक्षा हो इसका प्रयास किया जिसमें हम सफल रहे। अब के शिक्षा सत्र से इसमें इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होगी। मैंने अपने गांव में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, शुद्ध हवा वायु प्राप्त करने के लिए ये जगह जगह हरे पेड़ों का पौधारोपण कराया है। ये पंचायत भवन के सामने आपके सामने प्रमाण है और ऐसी जगह कई हैं जहाँ स्कूल में और कब्रिस्तान में और शमशान घाट में सब जगह पौधारोपण किया गया है। हमारे गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र है, लगभग करीब 30-35 साल पहले बना था। इसी के उच्चीकरण की मांग मैंने स्वास्थ्य विभाग से और शासन से की है।
बोलिए। अमर सिंह मेरा नाम, ग्राम चोरादेव का रहने वाला हूँ। हमारे गांव के जो ग्राम प्रधान हैं उन्होंने गांव के अंदर बहुत अच्छा काम किया है और गांव को स्वच्छ साफ बनाने की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने ली है।